जो ऑथर होता है वो अपने थॉट्स को पीपल के सामने रखता है, अपने रीडर्स के सामने रखता है, लेकिन वो उसकी पर्सनल ओपिनियन नहीं होती है। वो वही चीजें लिखता है जो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेड होती है, जिसका कहीं ना कहीं से प्रूफ होता है, या जो कहीं ना कहीं से कोई डेटा उसको सपोर्ट कर रहा है, कोई स्टैट्स होती है। जैसे अलग अलग टाइप के एग्जाम्पल्स दिए हैं टेक्स्ट बुक्स, आपकी टेक्स्ट बुक में अगर कोई एक्सपेरिमेंट होता है तो क्या वो एक्सपेरिमेंट प्रूवन होता है कि ऐसे ही कोई लिख दिया रहता है? टेल क्लास इज इट, ये प्रूवन ही रहता है, राइट? सो कहने का मतलब ये है कि एक्सपोजिटरी वो राइटिंग होती है जो ऑथर अपना पर्सनल ओपिनियन ला लिख के वो चीजें लिखता है जो एक्चुअली में एक्सेप्टेड होती है। जैसे न्यूज हो गई, न्यूज क्या, न्यूज रीडर जो न्यूज हम लोग को बताते हैं अपने मन से तो बताते नहीं, ये एक्चुअली में ये घटनाएं कहीं ना कहीं घट रही होती हैं, उसको वो हमें इन्फॉर्म करते हैं, हमें डिपिक्ट करते हैं, तो इसीलिए इसको एक्सपोजिटरी कहते हैं। ओके, सेकंड टाइप ऑफ राइटिंग इज डिस्क्रिप्टिव राइटिंग। डिस्क्रिप्टिव राइटिंग वो राइटिंग होती है जिसमें किसी चीज का डिस्क्रिप्शन चल रहा हो। मतलब डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्क्रिप्शन? क्लास डिस्क्रिप्शन का मतलब नहीं पता आप लोगों को? हाँ, कुछ बोला तो करो यार, नहीं पता होता है तो यही बोल दिया करो, मैम नहीं पता है डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है। गजब बच्चों यार, रिप्लाई ही नहीं करते हो आप लोग। डिस्क्रिप्शन मैम, एक्सप्लेनेशन किसी चीज एक्सप्लेनेशन, डिस्क्राइब करना एग्जैक्टली, किसी चीज को। डिस्क्राइब करना किसी सिचुएशन को, किसी चीज को। और जब हम कोई चीज डिस्क्राइब करते हैं तो हम अपने तरीके से डिस्क्राइब करते हैं ना। जैसे एक्सपोजिटरी क्या होता है कि ये ऑथर की पर्सनल ओपिनियन नहीं होती है, लेकिन डिस्क्रिप्टिव हमेशा पर्सनल ओपिनियन होती है। व्हाई आई एम सेइंग दिस, बिकॉज इफ मैं अगर कश्मीर घूमने जाती हूँ तो मैं जब कश्मीर से घूम के आऊंगी और अपने फ्रेंड्स को कश्मीर के बारे में बताऊंगी तो मैं अपना डिस्क्रिप्शन दे रही हूँ उन्हें। मैंने जिस नजरिए से कश्मीर को देखा मैं वो नजरिया उनको बताऊंगी। देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि कोई और जाए कश्मीर घूम के आए और वो कुछ और बताएगा, है ना। हम एक ही जगह घूमने जाते हैं, किन्हीं लोगों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है तो वो उसको बहुत पॉजिटिवली फ्रेम करते हैं, लेकिन किन्हीं लोग का एक्सपीरियंस बहुत खराब होता है तो वो उसको नेगेटिवली फ्रेम करते हैं। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि डिस्क्रिप्शन जो होता है वो पर्सन का अपना होता है, इंडिविजुअल। वो किसी को कैसे, जैसे कि अगर खाने की ही बात ले ले तो देयर मे बी सम पर्सन जिनको भिंडी की सब्जी बहुत पसंद है, जब वो उसको डिस्क्राइब करेंगे तो वो उसको फुल फ्लेवर्स के साथ करेंगे, लेकिन सम पीपल्स हु डोंट लाइक भिंडी की सब्जी, व्हेन दे विल बी डिस्क्राइबिंग द सब्जी तो वो कहेंगे बहुत बेकार सी सब्जी होती है ना। तो मतलब क्या होता है कि जब हम डिस्क्राइब कर रहे होते हैं तो वो ऑथर अपने मन से कर रहा होता है, वो ये नहीं देखता कि कोई क्या सोचेगा। इसीलिए इसमें हम लोग बहुत सारे सेंसेस का इस्तेमाल करते हैं, आँख, स्मेल, टेस्ट, टच, सब चीजों, सारे सेंसेस हमारे एक्टिव रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पर्सन अपने से किसी चीज को परसीव करके करता है। इसीलिए पोएट्री राइटिंग, जर्नल राइटिंग, डायरी राइटिंग, डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, नॉवेल। आप देखते हो लोग जब नेचर को डिस्क्राइब करते हैं तो लिखते हैं कि कश्मीर को क्या कहा जाता है, स्वर्ग कहा जाता है कश्मीर को, यस मैम, हेवन ऑन अर्थ। हेवन ऑन अर्थ। तो ये क्या है, ये भी तो किसी का डिस्क्रिप्शन ही है ना। हो सकता है कि कश्मीर के पीपल से आप पूछोगे तो वो कभी भी हेवन ऑन अर्थ ना कहे, वो कहेंगे यहाँ तो आए दिन आतंकवादी आते रहते हैं, झगड़े हो रहे होते हैं, कुछ अटैक्स हो रहा होता है ना। तो ये क्या होता है, ये सबका अपना नजरिया होता है, सब अपने नजरिए से चीजों को डिस्क्राइब करते हैं, ठीक। डायरी राइटिंग, क्या जब डायरी राइटिंग आप लोग करते हो, डायरी में अपने दिन भर की एक्टिविटीज लिखते हो, तो क्या उसमें आप किसी से पूछ के लिखते हो? आप वो लिखते हो जैसे आप चीजों को लिखना चाहते हो, है ना, राइट? कि आज मैं यहाँ घूमने गया, यहाँ घूमने गई। सो ये क्या होता है, ये इंडिविजुअल टू अ पर्सन होता है, ठीक। देन नाउ द थर्ड टाइप ऑफ राइटिंग इज पर्सुएसिव राइटिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सुएसिव? एनीबॉडी कैन टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सुएसिव? क्लास जस्ट होल्ड फॉर अ सेकेंड।
क्लास. सुन पा रहे हैं आप लोग मुझे? यस मैम. ओके, नेक्स्ट टाइप ऑफ राइटिंग विच वी आर गोइंग टू डिस्कस इज पर्सुएसिव राइटिंग. कोई मुझे बताएगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सुएसिव और पर्सुएड? एनीवन? मैम कन्विंस. एग्जैक्टली, वेरी गुड. है ना, पर्सुएसिव का ही मतलब होता है किसी को कन्विंस करना, किसी को अपनी बात पे मनाना. ओके, सो पर्सुएटिव राइटिंग भी जो होती है वो यही टाइप की राइटिंग होती है जब हम कुछ ऐसा लिख रहे होते हैं कि हम चाह रहे होते हैं कि सामने वाला हमारी बात माने. कैसे माने? मैं जो भी सिचुएशन उसको दे रही हूँ, मैं जो भी चीजें बोल रही हूँ, वो कहीं ना कहीं उस पर एग्री हो. जैसे कि इसका बेस्ट एग्जांपल्स होता है लेटर्स. क्या हम जब भी लेटर लिख रहे होते हैं हम किसी ना किसी को परस्यू ही कर रहे होते हैं? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लीव एप्लीकेशन लिख रही हूँ कि मैं आई एम नॉट फीलिंग वेल, मुझे 3 दिन की छुट्टी चाहिए, तो क्या उस 3 दिन उस लेटर में भी तो मैं यही चाह रही हूँ ना कि जो उस लेटर को रीड कर रहा है, जिसके लिए भी वो लेटर ड्राफ्ट किया गया है, वो मेरी बात को मान के मुझे 3 दिन की छुट्टी दे दे. गेटिंग इट क्लास? यस मैम, वी आर गेटिंग इट. या देन लेटर ऑफ कंप्लेन. लेटर ऑफ कंप्लेन में क्या करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, इफ आई हैड बायड अ शूज फ्रॉम बाटा, ओके, दैट शूज समवॉट गॉट डैमेज्ड विद इन 2 डेज ऑफ बाइंग. ठीक है, अब मैंने वहां के स्टोर मैनेजर को एक लेटर लिखा कि जो भी शूज मैंने आपके शॉप से खरीदा है वो शूज 2 ही दिन में डैमेज हो गया है. अब आई जस्ट वॉन्ट माई शूज टू ईदर गेट एक्सचेंज और माई मनी टू गेट रिटर्न. है ना, तो मैं क्या कर रही हूँ यहाँ पे भी, मैं जो लिख रहा है, जो ऑथर जो भी लिख रहा है वो यही चाह रहा है कि जो पर्सन उसको रीड करे, जो जो भी उसकी ऑडियंस है, जिसके लिए भी वो लिख रहा है, वो पर्सन उसको मान के या तो उसके शूज को रिप्लेस कर दे या तो फिर उसको रिटर्न, मतलब जो भी उसको उस पैसे, उस शूज के जो भी पैसे हैं वो उसको वापस कर दिए जाए. क्लियर? देन नेक्स्ट एग्जांपल ऑफ पर्सुएसिव राइटिंग इज एडवर्टाइजमेंट. कोई मुझे बताएगा कैसे एडवर्टाइजमेंट पर्सुएसिव होता है? मैम एडवर्टाइजमेंट्स आर कन्विंसिंग अस टू बाय एनी प्रोडक्ट. एग्जैक्टली, जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर हम टाटा स्काई का एड देखें, ओके, जब भी टाटा स्काई अपना एडवर्टाइजमेंट करता है तो उसकी टैगलाइन होती है, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला. ओके, व्हाट इट इज डिपिक्टिंग, ये यही बता रहा है कि अगर आपने टाटा स्काई का डिश अपने घर में लगवा लिया देन योर लाइफ इज गोइंग टू बी झिंगा लाला. दैट मीन्स कि बहुत अच्छी हो जाएगी, आप जो चाहोगे वो देख सकते हो ना. तो वो आप उस एडवर्टाइजमेंट से, उस टैगलाइन से आपको कन्विंस कर रहा है कि आप किसी और का डिश मत लगाओ, आप सिर्फ और सिर्फ किसका लगाओ? टाटा स्काई का. ऐसे ऐसे अलग अलग ब्रांड्स होते हैं, सबकी खुद की कुछ ना कुछ टैगलाइंस होती है. गेटिंग इट? यस मैम. ओके क्लास, सो व्हाट इज ऑल ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ पर्सुएसिव इज टेलिंग की आप जब भी कुछ लिख रहे हो, कुछ बता रहे हो, तो आप सामने वाले को परस्यू कर रहे हो कि वो कहीं ना कहीं आपकी बातों को मान ले. द फोर्थ एंड लास्ट टाइप ऑफ राइटिंग इज नैरेटिव राइटिंग. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नैरेशन? लेकिन नरेशन जो होता है वो लॉन्गर पीस ऑफ राइटिंग होता है, जिसमें कि ऑथर जो होता है वो कोई स्टोरी बता रहा होता है. इधर वो फिक्शनस भी हो सकती है, नॉन फिक्शनस भी हो सकती है. वो अपने स्टाइल से, अपने तर्क वितर्क के साथ, अपने कैरेक्टर्स उसमें होते हैं, उसके खुद के कैरेक्टर्स उसके साथ वो कुछ सुना रहा होता है. जैसे कि वो कोई ड्रामा आपको नरेट करता है, कोई प्ले नरेट करता है, आप नॉवेल्स का एग्जांपल ले लो, शॉर्ट स्टोरीज ले लो. है ना, ये सब क्या होते हैं? नरेटिव्स होते हैं. क्लियर? कोई डाउट यहाँ तक किसी को? क्लास एनी डाउट?
ओके सर, दिस वॉज ऑल द फोर टाइप्स ऑफ राइटिंग्स, राइटिंग स्टाइल्स जो भी हम लोग सेंसिबल राइटिंग में फॉलो करते हैं, एक्सप्लोरेटरी, डिस्क्रिप्टिव, पर्सुएसिव एंड नैरेटिव काइंड ऑफ राइटिंग. ओके, यही चारों टाइप की राइटिंग इंपॉर्टेंट भी है. द नेक्स्ट थिंग विच वी आर हैव टू डिस्कस इज इंट्रोडक्शन. ठीक, ये जो भी है इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आज की क्लास में किसी को कोई भी डाउट है सो यू कैन आस्क टू मी. मैम, एनेक्डोट्स मीन? हेलो बेटा, आपकी आवाज नहीं आ रही है मेरे पास. मैम, एनेक्डोट्स मींस क्या होता है? देखिए, एनेक्डोट्स जो होते हैं वो भी एक तरह की कहानियां होती हैं जो किसी रियल इंसान के बारे में या कोई रियल किस्से के बारे में बता रही होती हैं. जैसे बचपन में हमारी नानी लोग हम लोगों को अपने अपने एजेस की स्टोरी सुनाया करती थी कि हमारे जमाने में ऐसा हुआ करता था, और कोई इंसिडेंट हम लोग डिस्कस करते हैं, किसी पर्सन की हम लोग बायोग्राफी को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो ये सब एनेक्डोट्स होते हैं. क्लियर? Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. और कोई डाउट किसी को? No. Okay. जो भी बच्चा अटेंडेंस लेता है वो अटेंडेंस ले लेगा. कौन लेता है अटेंडेंस आप लोग की क्लास में? मैम वो एब्सेंट है. तो ठीक है, एब्सेंट है तो जो प्रेजेंट है वो लेके मेरे को सेंड कर देगा. ओके, एनी ऑफ द स्टूडेंट. ठीक है क्लास? ओके मैम. ओके, एंड प्लीज बी सेफ. जितना कोशिश हो सके, जिससे पॉसिबल है, ट्राई कि आप लोग अपने पेरेंट्स के ही साथ रहो. और जो हॉस्टल में है, चाहे वो बॉयज हो चाहे गर्ल्स हो, प्लीज ट्राई हार्ड कि आप लोग टाइम से ही पहुंच जाओ, बिकॉज चीजें वर्सन हो रही हैं, सिचुएशंस आर गेटिंग वर्सन. मे बी, शायद आई एम नॉट श्योर, बट आपकी कुछ फैकल्टीज भी हो चुकी हैं, नॉट ऑफ बीटेक बट हमारी यूनिवर्सिटी की. सो प्लीज बी अवेयर एवरीवन. ओके मैम, अटेंडेंस की स्क्रीनशॉट आपको पर्सनली सेंड करें. हाँ बच्चे, ठीक है. ओके ओके, चलो. थैंक यू क्लास. थैंक यू मैम. थैंक यू मैम.